जिस वक्त इंडिया गठबंधन की दिल्ली में रैली हो रही थी और पूरे देश में विपक्षी एकजुटता का संदेश दिया जा रहा था, उसी वक्त उत्तर प्रदेश के गठबंधन में दो धड़ों ने अलग होने का ऐलान कर दिया। इसमें पीडीए का नारा बुलंद करने वाले पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी उम्मीदवारी घोषित की तो सपा विधायक पल्लवी पटेल ने पिछड़ा दलित मुसलमान न्याय मोर्चा का ऐलान कर दिया। ऐसे में अब प्रदेश में इंडिया गठबंधन का मतलब सिर्फ सपा और कांग्रेस ही रह गई है। हालांकि कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस से जुड़ने वाले पूर्व विधायक ललितेश पति त्रिपाठी को गठबंधन के तहत भदोही सीट दी गई है। यूपी में मुख्य विपक्षी दल सपा के साथ विभिन्न दल एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने का भले ही खूब प्रयास किए, लेकिन चंद दिनों के बाद ही उनमें बिखराव होने लगा। सपा ने कांग्रेस को अमेठी, रायबरेली व वाराणसी सहित 17 सीटें दी। इस बीच सपा के सिंबल पर विधायक बनी अपना दल की नेता पल्लवी पटेल ने तेवर दिखाए। उन्होंने सपा पर पीडीए के अनदेखी का आरोप लगाया। उनकी पार्टी ने फूलपुर मिर्जापुर कौशाम्बी से प्रत्याशी उतारने की घोषणा भी की। अब रविवार को पल्लवी पटेल ने AIMIM के अध्यक्ष असुरुद्दीन ओवैसी के साथ मंच शेयर किया और पीडीएम न्याय मोर्चा का ऐलान कर दिया। पल्लवी के इस कदम के सियासी मायने हैं। वो पिछड़ा दलित और मुसलमानों की एकजुटता के जरिए नया मोर्चा तैयार करने की ख्वाहिशमंद है। इसमें ओवैसी उनके साथ हैं। ये कवायद कितना करिश्मा दिखाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि विभिन्न दलों के छिटकने से इंडिया गठबंधन की सियासी धार अब धीमी हो सकती है। पल्लवी के इस कदम पर सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी सवाल उठाते हैं। कहते हैं कि पल्लवी पटेल सपा की विधायक हैं, उन्हें अलग मोर्चा बनाने से पहले नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। अखिलेश के साथ पीडीए की वकालत करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा का साथ छोड़कर राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बनाई और रविवार को कुशीनगर से खुद चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। सपा गठबंधन में शामिल रहे जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान को उम्मीद थी कि गठबंधन के तहत वो घोसी से मैदान में उतरेंगे, लेकिन सपा ने राजीव राय को प्रत्याशी बना दिया। उन्होंने 30 लोकसभा सीट पर लड़ने का ऐलान किया और अब तक 14 सीट पर उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। इसी के तहत पीडीए का नारा देने वाले आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद ने नगीना से नामांकन कर दिया है। महान दल चुनाव मैदान में नहीं है। दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने सपा बसपा को समर्थन देने और कांग्रेस भाजपा उम्मीदवार का विरोध करने का ऐलान किया है।